कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र पर हमला बोला था। इस पर विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है, मोदी एजेंसियों के इस्तेमाल के खिलाफ है, वे कभी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि अगर हमने व्यवस्था का गलत इस्तेमाल किया होता तो आपकी आधी कैबिनेट जेल में होती। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एजेंसियों के इस्तेमाल के खिलाफ है, वे कभी भी एजेंसी का दुरुपयोग नहीं होने देते, वे एजेंसी के काम पर भी नहीं आते हैं, एजेंसी को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देता है। फडणवीस ने कहा कि अगर एजेंसी का इस्तेमाल किया गया होता तो आपकी आधी कैबिनेट जेल चली जाती। हम लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। अतीत में एजेंसियों का कांग्रेस और अन्य लोगों द्वारा दुरुपयोग किया गया था, हमने इसका दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है, भ्रष्टाचार खत्म होने तक मोदी चैन से नहीं बैठेंगे, उन्हें भ्रष्टाचार से डरना चाहिए, फडणवीस ने कहा, जिन्हें नहीं डरना चाहिए। या संदर्भात ते बोलले, ईडी सीबीआय काय येते आहे, ती आम्ही नाही आणली, ती उच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी आणली, आणि याचं कारण काय आहे, तर माननीय उद्धवजी, ज्या सरकारचं नेतृत्व तुम्ही करता आहात ते महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सगळ्यात भ्रष्ट सरकार आहे, आणि तुम्ही हे लक्षात ठेवा की इतिहासामध्ये याची नोंद होईल की हे महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सगळ्यात भ्रष्ट सरकार आहे। या सरकारचा एकच अजेंडा आहे, तो म्हणजे एक्सटॉर्शन। शेतकऱ्याला मदत करायची तर या सरकारजवळ पैसे नसतात, बांधावर जाऊन आश्वासनं द्यायची आणि त्यानंतर सपशेल पाठ दाखवायची। या ठिकाणी शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्ज मुक्त करतो म्हणून सांगायचं आणि त्यानंतर पाठ दाखवायची आणि केवळ कारणं सांगायची। त्यामुळे या ठिकाणी ईडी सीबीआय याकरता आली की जो भ्रष्टाचार चाललेला आहे, मला तर असं वाटतं की राज्याचे प्रमुख म्हणून या ठिकाणी आयटी विभागाच्या रेड्समधनं जे त्यांनी सांगितलेलं आहे, तुम्हाला झोपच यायला नको की राज्यामध्ये इतकी प्रचंड अशा प्रकारची दलाली चाललेली आहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र बंगाल बनना चाहता है, संघवाद और छुड़ौती ने बंगाल में कोई उद्योग नहीं चलाया। क्या आप जानते हैं कि आज कोलकाता का सिस्टम कैसा है? क्या आप चाहते हैं कि जो कोई आपके खिलाफ बोलता है उसका सिर काटकर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए? जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद है, महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। जब तक भाजपा जिंदा है, तब तक महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। हम जो चाहे करेंगे, लेकिन हम महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे, फडणवीस ने चेतावनी दी। अब मुखौटा उतार दीजिए और मान्य कर लीजिए, आपकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की थी, वो आपने पूरी की। राजनीति में महत्वाकांक्षा पूरा करना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन उसके पीछे झूठा तत्वज्ञान खड़ा करना ये बात गलत होती है। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे और आप शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे तो आपके पास रावते जी थे, देसाई जी थे, शिंदे जी थे, आपने उनको क्यों नहीं बनाया? अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे तो राणे जी को पार्टी से बाहर क्यों जाना पड़ा? राणे जी तो पार्टी के ऊपर कोई कब्जा नहीं मांगते थे, वो तो मुख्यमंत्री पद मांगते थे, राज ठाकरे को क्यों बाहर जाना पड़ा? इसलिए मुझे ये लगता है कि ये सारी बातें अब बोलना बंद कर देना चाहिए। आज जिस प्रकार से उनका वक्तव्य सामने आया कि महाराष्ट्र को वो बंगाल बनाना चाहते, मतलब क्या करना चाहते? अब महाराष्ट्र में राजनीतिक हत्या करना चाहते? अब सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सूली पर लटकाना चाहते? उनके हाथ पैर तोड़ना चाहते? जब तक भारतीय जनता पार्टी जिंदा है, तब तक चाहे जो हो जाए, महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे। महाराष्ट्र महाराष्ट्र रहेगा और इसको कोई भी बंगाल नहीं बना पाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़, नागपुर।